ले के आई है? आपने तो हमें देना नहीं था, हम जेल का इंतजाम करके आए हुए हैं। ये लो ना, दे रही हैं करने के लिए, हम लेके आए हुए हैं। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये हम उनको बता रहे हैं जो झूठी मकारन कहती थी ना कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनके खून में ही नहीं है शर्मिंदा होना, ना उनके सपोर्टर्स के। उसके बाद उसकी हर जगह प्रॉपर्टी निकल आई। पटवारी अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से कभी सवाल किया? इनका मसला ये है कि इनको बगैरत भी बोल दो ना, कहते हैं मैं गाली निकाली है। तुम्हारा जो वो बीच की चीज लीडर है, उसने असेंबली में खड़े होकर बोला था कितने बगैरत है आप, कितने बगैरत है, उसकी तरबियत किसने की है? राना साहब बहुत धमकियां लगाते थे, मैं पुलिस भेजने लगा हूँ, पुलिस भेजने लगा। आपको वो कहते हैं कि मैं मेयर सपोर्टर को भी गिरफ्तार नहीं करूंगा, हमने सिर्फ खान साहब को गिरफ्तार करना है। तो उनको कहना था 300 ले जाओ, 300 को रोटी खिलाना कौन सी मुश्किल थी, कम से कम 300 को तो ले जाते। ये गरीब बेचारे तंग पड़ गए, कहते रोटी कमाई नहीं जा रही, जेल में कम से कम रोटी दाल तो मिलेगी ना। अच्छा वाह, अपनी मालकिन तुम्हारी फ्राई पैन निस्तनिया नाइटियों में घूमे, तो लोगों को तुम डंडे मारोगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एक आज़ाद, आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पर बिलखसूस ट्वीट अकाउंट पे जो भी ट्रेंड चलाना चाहें चला देती हैं, आज नए स्लोगन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज अपनी शर्ट पर क्या स्लोगन लेके आई हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, इससे लिखा हुआ है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें खान साहब ने साइन किए थे, मैं इसलिए पहन के आई हूँ ये आज। और आप पर ये इल्ज़ाम किसने लगाया कि आपकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं? नहीं, ये हम उनको बता रहे हैं जो झूठी मकारन कहती थी ना कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर हर जगह आपकी बात कर रहा हूँ। आप वो पता नहीं किस शर्मिंदा करने के लिए, शायद वो शर्मिंदा हो जाए। वैसे किसका जिक्र फरमा रही हैं? उनके खून में ही नहीं है शर्मिंदा होना, ना उनके सपोर्टर्स के, मगर ये उनको शर्म दिलाने के लिए था कि जो कहती थी बीबी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद उसकी हर जगह प्रॉपर्टी निकल आई। पटवारी अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से कभी सवाल किया? वो कहते हैं कि आप गालम गलोज करती हैं, इस तरह के इल्जाम आ रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? इनका मसला ये है कि इनको बगैरत भी बोल दो ना, कहते हैं मैं गाली निकाली है। तुम्हारा जो वो बीच की चीज लीडर है, उसने असेंबली में खड़े होकर बोला था कितने बगैरत है आप, कितने बगैरत है, वो उसकी तरबियत किसने की है? बाप तो चलो भाई उसका काबिल तरबियत नहीं, लेकिन उसको किसने ये तरबियत दी थी? इनको बगैरत बेशरम कह दो, इनको चोर कह दो, कहते हैं आपकी तरबियत ठीक नहीं, हमने गाली दी है। चोर तो चोर ही कहेंगे ना। आज जेल भरो तहरीक का आगाज है, तो सनफे नाजुक का यहाँ पर क्या काम? हम सब कौन सी नाजुक? सनफे नाजुक औरतों को आपने कौन सा नाजुक बनाया? वो कोई वो मस्कीन सी चीज नहीं है। जब शायर सनफे नाजुक बोले तो आप खुश होते हैं, अगर मैं बोलूंगा तरस कर रहे हैं। और औरतें बिल्कुल भी कोई तरस खाने वाली काबिल रहम चीजें नहीं, जिनको आपने नाजुक सा करके किसी चौकेस में बंद करके रखना है। औरतें बड़ी बहादुर, अल्लाह ने बड़ा बहादुर बनाया उनको। आज गिरफ्तारी देंगी आप? हमारी गिरफ्तारी आज है ही नहीं, आज मर्दों की गिरफ्तारी। अच्छा, पहले आज मर्दों की मर्द खवातीन के हवाले से, तो खवातीन के हवाले से तो राणा सनावला ने भी कह दिया कि हम खवातीन को गिरफ्तार नहीं कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे राणा साहब को? राणा साहब रोज तो धमकियां लगाते थे, मैं पुलिस भेजने लगा हूँ, पुलिस भेजने लगा। आप तो वो कहते हैं जी मैं मेयर सपोर्टर को भी गिरफ्तार नहीं करूंगा, हमने सिर्फ खान साहब को गिरफ्तार करना है। और राणा साहब बेचारे पता नहीं किसके कहने में बहुत बोलते रहते हैं। मरियम रंग से साहब थोड़ी देर में आएंगे, बताएंगे यहाँ पर 300 लोग हैं, क्या कहेंगे? तो उनको कहना था 300 ले जाओ, 300 को रोटी खिलाना कौन सी मुश्किल थी, कम से कम 300 को तो ले जाते। 300 को ले जाते, ये क्यों आप इतना तंज करती हैं उन पे? भाई आटा इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी है, खाना गरीब के लिए मुश्किल हुआ है। ये गरीब बेचारे तंग पड़ गए, कहते रोटी कमाई नहीं जा रही, जेल में कम से कम रोटी दाल तो मिलेगी ना, तो लेके जाओ ना इनको दो रोटी। खान साहब की स्ट्रेटजी से कितना मुतफिक है और क्या जज्बात है इस पर? मुतफिक है, उन्होंने जो सोचा बिल्कुल ठीक सोचा होगा। इन लोगों का इलाज यही है, बड़ी धमकियां लगा रहे थे जेल डालेंगे, अब आओ डालो ना, आ गए तो जेल लेके जाओ। राणा सनावला कह रहे हैं कि डंडे सोटे जेलों में तैयार रखे हुए हैं, बड़ी फैंटी लगेगी। अच्छा वाह, अपनी मालकिन तुम्हारी फ्राई पैन निस्तनिया नाइटियों में घूमे, तो लोगों को तुम डंडे मारोगे? भाई हमारे बार भी ये फ्राई पैन, और वैसे मैं लेके आई हूँ, ये फ्राई पैन लेके आई हूँ, आपने तो हमें देना नहीं था, हम जेल का इंतजाम करके आए हुए हैं। ये लो ना, दे रही निस्तनिया करने के लिए हम लेके आए हुए हैं, तो तैयारी के साथ ये नाइटियां वगैरह तैयार नहीं, जेलों में नाइटियां पहन के घूमेंगे, मगर कपड़े चपड़े घर से आएंगे, इस्त्री करने का सामान लेके। मैं समझा शायद मरियम को इस्त्री करने के लिए लाएंगे। नहीं नहीं, इसी में हम अंडा बनाएंगे, और मरियम बीबी ने हमें एक नया तरीका बताया इस्त्री करने का, इसी से इस्त्री भी करेंगे। गिफ्ट तो नहीं करना है कहीं मरियम को? नहीं नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी है ना, वो तो काला हुआ है ना। हां वो काला, उनके कपड़े, उनका मुंह तो नहीं इस्त्री कर लेती थी जो काला हो गया? चले थैंक यू।